नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, निगमा युक्त को एलजी ने किया और पावरफुल, 2400 करोड़ की योजना कर सकेंगे मंजूर। 6 लंबित परियोजनाओं को मंजूरी की दी शक्ति। कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने में मिलेगी मदद, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। निगमायुक्त को एलजी ने किया और पावरफुल, 2400 करोड़ की योजना कर सकेंगे मंजूर। 6 लंबित परियोजनाओं को मंजूरी की शक्ति दी और कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने में मदद भी मिलेगी, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। निगमायुक्त को एलजी ने और पावरफुल किया, 2400 करोड़ की योजना कर सकेंगे मंजूर। और अगर बात की जाए, 6 लंबित परियोजनाओं को मंजूरी की शक्ति दी, कूड़े के पहाड़ को खत्म करने में मदद भी मिलेगी। निगमायुक्त को एलजी ने किया और पावरफुल, 2400 करोड़ की योजना कर सकेंगे मंजूर। और ऐसे में 6 लंबित परियोजनाओं को मंजूरी की शक्ति दी, कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने में मदद भी मिलेगी। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, निगमायुक्त को एलजी ने और ज्यादा पावरफुल किया है और 2400 करोड़ की योजना मंजूर कर सकेंगे, क्या कुछ ज्यादा अपडेट? जी सोनिया, दिल्ली के एलजी बीके सक्सेना ने जो फाइल थी दिल्ली सरकार द्वारा उनको भेजी गई थी, उसको मंजूरी दे दी है। फाइल में कहा गया था कि जो दिल्ली के निगम आयुक्त है उनको फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, जिससे दिल्ली वासियों के जो काफी सारे काम है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ा काम कूड़े के पहाड़ जो है उनको कम करना, इसको लेकर जो है बजट बढ़ा दिया गया है। तो अब जो निगम आयुक्त है वो अपने मध्य जोन में अपने जो 5 करोड़ से ज्यादा का धनराशि है वो लगा सकेंगे अपनी परियोजनाओं में, और जो 6 परियोजनाएं लंबित है पहले से उनको पारित करने के लिए 2400 करोड़ का फंड भी जो है रिलीज किया गया है। तो अब उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली में जो जगह जगह कचरे के पहाड़ बन जाते हैं उन पर काम किया जाएगा, और साथ ही साथ कचरे से किस तरह से बिजली बनाई जा सके इस परियोजना पे भी जो है काम किया जाएगा। काफी लंबे समय से चर्चा में थी और अब फाइनली जाके जो है दिल्ली वासियों के काम रुके हुए थे वो पूरे होने की उम्मीद जताई जा रही है। जी विशाल सिंह, अगर बात की जाए जो 6 लंबित परियोजनाएं हैं जिनको मंजूरी की शक्ति दी गई है, तो वो कौन कौन सी लंबित परियोजनाएं हैं जिनको मंजूरी दी गई है? जी, इसमें सबसे बड़ी जो ये थी पहला कि कचरे के पहाड़ जो कि लैंडफिल साइट के पास बने हुए हैं, जो कि आनंद विहार हो गया या फिर समयपुर बादली के पास, जहांगीरपुरी के पास जो बने हैं, और साथ ही साथ गली मोहल्लों में जो जो कचरे के जो भट्टे बन जाते हैं उन पर कोई सफाई नहीं होती, साथ ही साथ नालियों की सफाई के काम है, सीवरेज के काम है, इन सभी काम ऐसे 6 अलग अलग काम जो है इनकी लंबित पड़े थे, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो थे पूर्व मुख्यमंत्री वो जेल में बंद थे, जिस कारण इन फाइलें ऊपर साइन होना जो है बाकी रह गया था। अब नई मुख्यमंत्री मिलने के बाद आतिशी द्वारा जो है फाइलों को एलजी के पास भेजा गया और वहां से एलजी के पास मंजूरी के मिलने के बाद अब निगम आयुक्त को जो है पावर बढ़ा दी गई है, और अब दिल्ली के जो रुके हुए काम है ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अब वो काम जल्दी से जल्द पूरे हो जाएंगे। जी विशाल सिंह, अगर बात की जाए तो ऐसे में दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो अभी एलजी ने 2400 करोड़ की योजना जो मंजूर किया है, क्या ये पार्टी के लिए कारगर साबित होंगे? जी देखिए, ये जो अभी मंजूरी मिली है ये ब्यूरोक्रेसी का मैटर है, इसमें राजनीतिक परिवेश कोई दखल नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर फिर भी आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि हमारी वजह से ये मंजूरी मिली है तो जरूर इसमें राजनीति खेली जा सकती है। भाजपा का इसमें कोई रोल जो है वो सामने नहीं आ सकता, क्योंकि भाजपा सत्ता में नहीं है, भाजपा के पास केवल मात्र 6 और 8 विधायक हैं, और आम आदमी पार्टी पूरा इसका फायदा जरूर उठा सकती है आने वाले चुनावों में, ये कहकर कि दिल्ली के जो रुके हुए काम है वो हमने पूरे कराए हैं, तो इसका फायदा जरूर कहीं ना कहीं से उठाया जा सकता है आम आदमी पार्टी की तरफ। जी विशाल सिंह, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।